हेलो फ्रेंड्स, जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लौकी और चने की दाल की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान फूड रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर में एक कप चने की दाल ली है। इस चने की दाल को हमने 2 से 3 पानी से धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसी के साथ ऐड कर देंगे 1 कप पानी। कुकर को लीड से कवर करके हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर आने तक इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हमने एक पैन में 4 टेबलस्पून तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और 2 तेज़पत्ते और इन्हें 5 से 7 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पर तेल में अच्छे से सोटे कर लेंगे। से 7 सेकंड के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और प्याज को हम तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। प्याज को हमने तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लौकी। हमने यहाँ पर 500 ग्राम लौकी ली है। इसको छीलकर हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब लौकी को भी तेल में मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर लौकी को 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। सूखे मसालों में हमने यहाँ पर ली है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर लो ही रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर हम लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में हमने इसे चेक भी करते रहना है। तो इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ जो टमाटर है वो भी अच्छी तरह गल चुके हैं और जो तेल है वो भी सरफेस पर आने लगा है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी बॉईल की हुई चने की दाल। मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर चने की दाल को बॉईल किया था इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ लो फ्लेम पर इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए ही पकाना है। चने की दाल ऐड करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। अब हमने इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून गरम मसाला। ज़्यादातर घर में किसी को लौकी की सब्जी पसंद नहीं होती, लेकिन जब आप इसे चने की दाल के साथ पकाएंगे तो इसका कुछ अलग ही टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए हमने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है। देखिए, गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखा है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून प्याज। ये जो प्याज है ये ऑलरेडी फ्राई की हुई है इसीलिए हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। इसी के साथ हमने इसमें 5 से 6 सेकंड के बाद ऐड कर देनी है 2 सूखी लाल मिर्च। तो 10 से 12 सेकंड तक हमने तड़के को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इसे ऐड कर देंगे हमारी सब्जी पर। इसी के साथ हमारी चने की दाल और लौकी की सब्जी बनकर तैयार है। हम इसे डिश आउट कर लेंगे।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।